आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं मकसूद ते तुसी देख रहे हो यूट्यूब चैनल पंजाबी सैर सपाटा। जिस तरह के तुसी जानते हो कि असी तुहानू नवी तो नवी जगह की सैर और नवी तो नवी जगह की मालूमात देने हैं, अज असी तुहाडे वास्ते लैके आए बड़ा ही दिलकश नज़ारा और बड़ा जनाब पहाड़ों का नज़ारा। अज असी तुहानू पहाड़ों की सैर करवाने वाले हैं और नाल नाल तुहानू कोई दे बारे च गाइड भी कर देंगे कि किहड़े शहर के ये तुसी जिहड़े पहाड़ ने ये देख रहे जे। और इस तो पहले कि अगर तुसी इस चैनल ते नवे जे तो चैनल नू सबसक्राइब कर दिओ और नाल ही बैल दे आइकन नू भी प्रेस कर दिओ। और जिन्हें लोगों ने पहले इस चैनल नू सबसक्राइब किया है उन्होंने जी असी तह दिल दे नाल शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो इस टाइम जी जिहड़ा तुसी ये पहाड़ देख रहे जे ते जी ये शहर चनियोड़ दे पहाड़ ने, ये पहाड़ जिहड़े ने ये खुश्क पहाड़ ने। पहाड़ दे तुहानू पता है पाकिस्तान दे विच बहुत जगह दे उत्ते ने, हैं कितने नमकीन दे पहाड़ ने और कितने जनाब बर्फ़ां दे पहाड़ ने और इस तरह ही ये चनियोड़ दे पहाड़ ने। जे अगर असी बर्फाने दे एरिए दा हिसाब लगाइए पहाड़ों का तो तुहानू पता है कश्मीर का बहुत सारा एरिया जिहड़ा कि पाकिस्तान दे हिस्से च आंदा वे उहदे च भी बहुत सारे ऐसी जगह है कि जिथे बहुत बर्फ़ पैंदी है, जिस तरह कि सियाचिन हो गया, स्कर्दू हो गया, लीपा हो गया, हैं ऐसे जिहड़े इलाके ने जिन्हां ते बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुंदी है ना। उस तो बाद अगर असी नानकगान वाली साइड से चले जाइए, गुलगे साइड से चले जाइए, ये सारे पहाड़ जिहड़े ने ये पहाड़ ने जी बर्फाने पहाड़, यानी कि इन्हां दे उत्ते बर्फ़ बहुत पैंदी है। उस तो बाद असी अगर असी सरगोधे वाली साइड से चले जाइए तो चकवाल वाली साइड से चले जाइए तो इस एरिए दे विच जिहड़े पहाड़ पाए जाते हैं तो कुछ तो जनाब इधर नमकीन जिन्हां चों निमक निकलता है वह पहाड़ भी मौजूद ने, और उस तो बाद खुश्क पहाड़ जिहड़े ने वह भी मौजूद ने। तो यह नज़ारा जिहड़ा ना पहाड़ों के उपर खड़ के असी खड़े हुए हैं तो इस टाइम तुहानू जिहड़ा ना पहाड़ों का नीचे वाला हिस्सा जिहड़ा ना तुहानू दिखा रहे हैं। तो उस तो बाद जी अगर असी बलूचिस्तान के एरिए चले जाइए, कोयटा के एरिए चले जाइए तो कोयटा का जिहड़ा पहाड़ है ये भी बहुत खुश्क ने। इत्थे भी कोई कोई यानी कि बर्फबारी होंदी है, उच्ची जगह पर होंदी है, नीचे वाली जगह पर कोई नहीं होंदी। जिस तरह कि हन्ना झील के नज़दीक चले जाइए तो असी उत्थे पहाड़ों पर बर्फ़ पैंदी है, बाकी दाएं बाएं जिहड़े पहाड़ ने इन्हां ते बर्फबारी नहीं होंदी ना। तो पहाड़ों के उत्ते चढ़ना भी किहड़ा सौखा जी, बड़ा औखा वे। असी तुहानू शुरू के सीढ़ियाँ दिखाइया, बकायदा सीढ़ियाँ बनिया हुई ने और तुहानू असी ये मसीकी भी सुनावांगे ना जी। जनाब तुसी मुसीकी सुन रहे जे, हमदो सना सुन रहे जे रब्बे करीम दी। ये लोग पहाड़ों के उत्ते बैठ के जनाब मुसीकी कर रहे हैं और आन जाने वाले लोगों का जनाब जिहड़ा ना कि दिल बहला रहे हैं, जिन्हों आप कहांगे जी दिल किशोरी कर रहे हैं। तो इन्हों का भी एक ये भी एक सिस्टम है, एक रोज़गार का जरिया समझ लो। इस तरह कि ये सराकी मुसीकी जी है ना कि ये कर रहे हैं भाई, यदि हारमोनीयम बजा रहे हैं और नाल जिहड़े ने कि बैठे ने ये ढोलक मास्टर ने जी, ये दोनों जनाब जिहड़ा ना कि इस टाइम अपनी मस्ती दे विच मगन ने और ये लोगों का दिल बहला रहे हैं और एक रोज़गार का इन्होंने ये भी सिलसिला जिहड़ा ना कि ये बनाया होया। तो बड़ा अच्छा लग रहा जी, इस टाइम बड़ा अच्छा माहौल है। देख लो पिछली साइड के उत्ते लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, सीढ़ियाँ बनिया हुई ने पहाड़ों के उपर चढ़ने वास्ते। असी तुहानू उपरला हिस्सा भी सारा जिहड़ा ना ये पहाड़ों का दिखाया वे। तो बड़े पहाड़ ने जी चनियोड़ शहर के विच भी, लेकिन यह है थोड़ा जे हटवें ने, शहर तो जिहड़ा ना हटवें ने, ये बिल्कुल दरिया के उपर ने। कभी जिंदगी दे विच तफाक हो गए, मौका मिले तो लाजमी तुसी जाके जनाब इत्थे दी आके सैर करो, इंजॉय करो, दिल पछौरी करो। ये बड़ा अच्छा लगता है खास करके गर्मियों के विच। और अगर आना चाहते जे तुसी जुमे रात और जुमे नूं तुसी ज़्यादा बेहतर रहेगा तुहाडे वास्ते, क्योंकि जुमे रात और जुमे वाले दिन जिहड़ा ना बड़ी बड़ी लोग जिहड़े दूरों ने ना
ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਰਗਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਰੈਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਰੈਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦੋ ਸੁਣਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਮੀਓ, ਨਾਸਰ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।